टिकट जाबा ही कौन दिया रेलवे लाइन चाहे मार मान चाहे रेलवे लाइन ले जाए लेकिन यह में जाबा कौन जमी कौन दिया मार कार्ड ले एक ऐसा समय है जब प्रत्येक किसान है अपने खेत में खेती में लगा हुआ है। एक तरफ जहाँ खेती में लगा किसान अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, उसे एक कृषि करते करते एक डर भी सता रहा है क्योंकि कुछ ही समय में एक बड़ी रेलवे लाइन है वो नवलगढ़ के कुछ क्षेत्रों से होकर है वो गुजरने वाली। एक परिवार नहीं कह सकते, एक संयुक्त परिवार मेरे साथ मौजूद है जिनके खेतों से होकर एक रेलवे लाइन गुजर रही है। डर तो इनका भी जायज़ है क्योंकि जिस पर ये आधारित है कुछ समय बाद में इनकी ज़मीनें छीनने का डर है इन्हें लगा हुआ है। एक डर सा बैठ गया क्योंकि अभी लाभ नहीं कर रहे हैं, एक लग रहा है कि अगली बार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये डर तो जहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है कहाँ से गुजर रही है। अजी रेलवे लाइन तो अठिकरजा सीमा रा कमा कर और कत्ता सा आदमी में कह पीढ़िया सु पेट भर जाए जमीन का मायने और मतलब आज जासी अब हमारी फसल है हर चीज़ है तो हर चीज़ का मायने जे आज चली जासी जना पास मेरे जासियाँ लटे क्या सु पेट भर जाए के रोजगार है हमारे कन कोई रोजगार को नहीं खेती को रोजगार है इसमार टाबरान पाल रहे हैं। अब की बार लाभ नहीं कर रहे हो तो अब की बार लाग रहे हो कौन के तन की दोबारा कर पाऊंगा कौन पर पाऊँ क्योंकि कई किसान हाँ आई बात तो हो रही है कि अब मतलब कि भाई अब आगे जो कराला को नहीं कराई जमीन का मान के शीर के नहीं उसी यहाँ टेंसर सी बैठ रही है शरीर का मान कई बीघा जमीन है अपने सगड़े सारी जमीन आपने 26 बीघा जमीन है 26 बीघा का मान 6 भाया का हिस्सा ही जहाँ अलग अलग मारी टुकड़ी ही छऊँ भाया की जहाँ अब मतलब और बाकी भाई अठिन रहेगा अब 2 भाया की मारी जमीन जा सी ठेसू। हाँ अभी मैं कुछ किसानों को बातचीत कर रहे हो पीछे गाँव भैया कह रहे हैं कि जमीन के अंदर रेलवे लाइन जा रही है जमीन है 2 भागा बांट रही है। हाँ 2 भागा अब आ जमीन दिख रही है ताने तो इक माए ने मतलब बीच कर जा सी जना अब बाटा सा रुपया इक अठिन रह जैसी अठिन रह जैसी हाँ 2 भागा बट जैसी नहीं अठिन जा सका दोनों का नहीं सु मतलब बर्बाद होगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं अब मुझे गया हो के बात निकल के आ रही है सगले अगर चारों मेरे एक तो तब मुआवजो चाह रहे हो या रेलवे लाइन मुआवजो चाह रहे के हाँ तो एक आपने के देसी मानी जमीन को एक मान्यता नहीं मेरे की कत्ती में 3-3 फसल मारी जमीन का माने पैदा करा 3-3 फसलों को के बट्टा आज मारो रोजगार चल रही है एक तरीके को जमीन का मायने। हाँ तो यह बात होगी कि निरस्त करवाण हाँ कि मैं मतलब जानू ही कौन अठिक जाबा ही कौन दिया रेलवे लाइन चाहे मार मान चाहे रेलवे लाइन ले जाए लेकिन यहाँ में जाबा कौन दिया कुछ निशान भी वगैरह जा रेलवे की तरफ करके गए तो आपने भी खेत में कोई निशान वगैरह करी होगी। हाँ खेत का मान को नहीं आधे आठ रोड है रोड के ऊपर निशान करी रहा है रोड का आधार सूझिया पटवारी के कनेजार देख नक्शो भी नक्शा का मकर रेलवे लाइन की लाइन जा रेलवे का कोई भी अधिकारी या सरकार का कोई भी अधिकारी कोई को नहीं आयो ना ना कोई बात कोई सच्चाई को निकली के पता चालो की रेलवे लाइन जी हाँ मतलब मैं तो पटवारी बताई मान दो पूरी बात की भाई थारा का माकर बोलियो रेलवे लाइन जाए ली ओ मेरो भाई एक गाँव का मान दुकान कर मिली है बटे चाह पानी पीवा जना पटवारी बताई जना मान दो मेरो बढ़िया नहीं माने वेरो ही को नहीं की रेलवे लाइन जा रही है की रिपोर्ट डाउन दी गई कि जमीन जितनी भी है जगह वो रेलवे लाइन जा रही है पानी एक बारूनी जमीन बताई गई जिसकी कमान कुछ नहीं यूज कर। हाँ अब बारूनी अब देख लो तारा वो आ गए की आप फसल है को नहीं कमान इन पूरी बारानी जमीन बताई रही है। हाँ अब कौन बताई है कौन नहीं बताई है कम से कम सर्वे होना चाहिए कि आप बारानी है कि या इकमान कोई फसल भी हुआ है 3-3 फसल में पैदा करा अब फसल काट ली अब हाथों हाथ मारी और दूसरी फसल कर देंगा फिर जो चौमासा की फसल आओगी बाजरो गुआर ए कर देंगा मोट। हाँ पता जी क्या लाग रहे जी आपकी बार तो लावनी कमान शायद मेरे साहू खेतों में आ रहे हो की लाग रहे रेलवे गुजर रही है आगे तो बड़ो अगले साल के करा मैं तो कौन दे मार जमीन मैं तो कुमार मारो पेट भरा चार टाबर है बीमे करा से कोई डांडा भी पाला से भी करा। हाँ इमे पर है सारा आदमी एक और थान में थोड़ी सी रिपोर्ट बताऊँ जहाँ रेलवे लाइन गुजरी है तो 45-45 चारों में ले रहे हैं हम सारे तारा घर भी शामिल है। हाँ चार बीघा में छवाई। हाँ
मन तो सगली की बात क्या करो मन जमीन आई चाहिए मारी चाहिए कौन मैं तो कौन दिया मैं दिया ही कौन या फैक्ट्री का मान थे को शायद कोई वीडियो वाडियो देखे तो जी साहब फैक्ट्री में कार्रवाई करी भी साहब अगर भविष्य में चाहे ही कोई मान थोड़ी फेक चाहिए मैं तो दिया ही कोई जमीन ही चाहिए मैं तो मेरा ठेर हूँ चाहूँ मैं तो कौन फैक्ट्री में देता तो मैं कौन दे मेरा जमीन चाहिए मन मन मुलाजो कौन चाहिए तो तभी कार्रवाई करना शुरू कर दी कुछ इलाका खाली भी करावा लगी तो कराती वैसे मैं कौन दिया ना अच्छी तरह मैं मर जाऊँ फिर जमी कौन दिया मार काट ले जाए फिर मैं जमी कौन दिया। तो ये वो परिवार मेरे साथ मौजूद है जो बात करें तो अपने परिवार का भरण पोषण के लिए इसी जमीन पर आधारित है। तब इनके बता रहे हैं कि लगभग 4-4 बीघा इनकी ज़मीनें हैं वो इनके पक्ष में आती हैं लेकिन जब रेलवे यहाँ से गुजरेगी तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगी। जो ज़मीन इनके 2-4 बीघा ज़मीन आ रही है वो भी इनके पास नहीं बचेगी। तो इन्होंने कह रहा है कि ये बात करें तो कह रहे हैं कि ज़मीन चली जाएगी लेकिन ये नहीं यहाँ से हटेंगे। ये बात होगी आपकी परिवार में जैसे और भी बातें आती हैं चारों ओर से लोग किसान ये कुछ आंदोलन कर रहे हैं तो उनका सहयोग के लिए आप जा रहे हो आंदोलन सरकार से लड़ी सी अठिया भाई कौन देता भी सरकार लड़से में ये जैसे मैं बात कर रहा था कुछ किसान नेता हैं जो आपको जागरूक करने के लिए घर घर जा रहे हैं आए लास्ट जाए मां ए जाए के लास्ट जाए पर मैं कौन दिया मैं के रहे नगो रोजना में रोजना गाड़ी पर जाए सागे जना और कता जाए पाछ इसी की रेलवे लाइन से प्रभावित परिवार की वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है जो इस विषय में क्या सोचती हैं। आपको पता होगा शायद आपके ही खेत से एक रेलवे लाइन गुजर रही है फिल्ट्री के लिए लेकिन है ना बीच कर गुजरेगी हमारे खेत से तो एक तरफ हमारे घर हो जाएंगे एक तरफ खेत हो जाएगा तो हम बीच कर कैसे बोएंगे और दोनों साइड हो जाएगी तो हम ना तो 4-4 बीघा जमीन है हमारे तो बीच कर निकलेगी तो 1 बीघा इधर हो जाएगी 1 बीघा इधर हो जाएगी तो हम बा भी नहीं सकेंगे और खेती बाड़ी वगैरह नहीं कर सकेंगे और हम ना तो हमें हमारे परिवार में कोई सर्विस है तो सर्विस भी नहीं है तो इस कारण हम खेती से ही सारा काम करते हैं बस खेती से ही पले बड़े हैं और खेती पर ही डिपेंड है। खेती इस वक्त का बात करें तो कटाई का समय चल रहा है क्या उम्मीदें हैं क्या कि अगर ऐसे चलता रहा तो आगे कटाई कर पाएंगे तो लोग आगे ऐसे चलता रहा तो जमीन चल जाएगी तो किस पे करेंगे हम कहाँ पे क्या सरकार से क्या गुहार है आपकी ये है कि ना हम जमीन नहीं देंगे। इस वक्त हम लोग ग्राम पंचायत बसावा के एक नाले में मौजूद है जिसके अंदर से है सीमेंट फैक्ट्री के लिए एक रेलवे लाइन गुजर रही है। प्रभावित किसान क्या सोचते हैं एक किसान क्या सोचते हैं होली से आपको नजर आ रहा होगा कि किसान है जो दिन भर अपने खेतों में है कृषि का कार्य करता है। इस वक्त की बात करें तो ये कटाई का समय चल रहा है। अभी जब हम लोग इनसे किसानों से वार्ता के लिए पहुंचे तो बहुत से परिवार थे जो खेतों में काम कर रहे थे। एक खेतों में काम करने के साथ साथ इन्हें कई उम्मीदें भी हैं कि इस बार एक अच्छी फसल के साथ अच्छा अनाज भी होगा लेकिन इसके साथ एक डर भी इनके परिवार में है वो बैठा हुआ है पहले से उसे डर के लेकर है कि रेलवे लाइन आपके यहाँ खेतों से गुजर रही है। इस बार उम्मीदें हैं कि एक अच्छा अनाज होगा लेकिन आगे उम्मीदें नहीं है आपकी बिल्कुल ही सही ध्यान निकल जाए जमीन न जाए कितनी बीघा जमीन है क्या नाम आपका? कोई 2 बीघा 4 बीघा बस क्या नाम आपका नाराम होता नाम मेरे दो अभी खेतों में जो कटाई का समय चल रहा है उम्मीद है अच्छा अनाज होगा लेकिन आगे वाले समय में आगे वाले समय में तो जमीन नहीं तो वही होगा तो कटा हुआ वो ऐसा तो और भी कितने किसान है अपने पास के जिनके किसान तो ठेठ बसावाते ही हैं आपने फैक्ट्री तो किसान किसान है तो रेलवे तो लाइन डाल रही है शायद आपको भी पता नहीं होगा कि किधर से जाएगी अभी भी सस्पेंस बना हुआ है तो बात करने के लिए कोई अधिकारी वगैरह आया क्या ठेलना कोई को नहीं आया मारसू तो कोई बात हुई को नहीं और कदे कोई गांव का अंदर जा मैंने कहा भटकी थाला मांगी भटकी जा सीनिया जा सीनिया जा सीन आ सुना सा और कोई बताई को नहीं के मांगा था सरकार मांग मारी कोई को नहीं मान मारी जमीन चाहिए जमीन के अंदर तो रेलवे डाल रही है तो रेलवे डाल रही है तो मान दूसरी जगह दे देसी और तो के जमीन जमीन कौन दे में तो कोई टुकड़ी आएगी अब देखो जमीन जमीन कौन दे में तुम्हारी ठेर रखा बड़दार बना डांस झोपड़ी में तो 2 बूटा मर जाऊँ में कुटा मर जाओगे लेकिन अब तो पीटा याद रखेंगे कि हमारी जमीन है कि हमारी खींच ली हमारी टापर जगह था जहाँ लाभ मरता था बाप दादा जमीन ही थी अगर बिन थोड़ी जान लापड़ी सही बात मैं दे को नहीं मारी रखा ठीक है।